हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर डाटा एंट्री ऑपरेटर असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट ते मैनेजर की पोस्ट, उस तो इलावा मैनेजर टेक्नोलॉजी अते सीनियर मैनेजर की पोस्टा लैके आया दोस्तों। तो दोस्तों, मैं तुहानू लास्ट से इस वीडियो के लास्ट से तुहानू प्रूफ दिखावगा कि यह पोस्टा बिल्कुल भी फेक नहीं हैं, बिल्कुल ओरिजिनल हैं। तो मेरे वीडियो से बने रहना। अगर तुम भी चाहते हो तुहानू भी आने वाले सारिया वैकेंसियों की डिटेल सब तो पहला मिल सके तो मेरे चैनल सबसक्राइब कर लो, तो जो आने वाले सारे वीडियो तुम्हें सब तो पहला मिल सकन। तो उसके नाल ही बैल के आईकॉन प्रेस करके ऑल द ऑप्शन सिलेक्ट करना ना भूलना। सब तो पहला एक होर जरूरी गल तुम्हें दस देव दोस्तों, इन वैकेंसियों के लिए कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है, डायरैक्ट इंटरव्यू है। इंटरव्यू की डेट जो है तुहाडे कोल अपने फोन पर या फिर ईमेल राही तुम्हें दस दी जाएगी। तो दोस्तों, गल करते हैं सब तो पहला असिस्टेंट की पोस्ट की। तो दोस्तों, ये वास्ते एक पोस्ट है, ये वास्ते क्वालिफिकेशन जो है सिर्फ प्लस टू पास चाहिए है या फिर इसके बराबर की कोई भी टेक्निकल लाइन की कोई भी स्टडी तुहाडे कोल होनी चाहिए है। तो दोस्तों, ये वास्ते जो एज क्राइटीरिया है उन्होंने 35 साल की रखी है। तो सैलरी दोस्तों दस देव, ये वास्ते 12,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी तुम्हें। उस तो बाद दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, ये वास्ते दोस्तों ग्रैजुएशन चाहिए तुहाडे कोल साइंस की। अपर एज लिमिट ये 35 साल तक अपर एज लिमिट रखी गई है दोस्तों। ये नाल ही डाटा एंट्री ऑपरेटर वास्ते दोस्तों एक्सपीरियंस की मांग की गई है, जिस दे विच वैबसाइट डिवेलपमेंट, ऑफिस वर्क अते डाटा एंट्री मल्टीपर्पज़ वर्क जो है तुहानू कंप्यूटर का आना चाहिए है, फील्ड वर्क एटसेट्रा। इस तो इलावा दोस्तों, यदि सैलरी की गल करिए 18,000 पर मंथ जो यदि सैलरी की लिमिट रखी गई है। उस तो बाद गल करते हैं मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट, ये वास्ते दोस्तों बैचलर डिग्री होनी चाहिए है इंजीनियरिंग के विच या इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के विच, या फिर तुहाडे कोल मास्टर डिग्री होनी चाहिए है साइंस की। उस तो इलावा ये दोनों ही डिग्रियां कोई भी तुहाडे कोल है रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए है। एज लिमिट दोस्तों ये वास्ते 35 साल की रखी है मैक्सीमम। डिजायरेबल एम बी ए इन फाइनेंस विद एक्सपीरियंस इन अकाउंट फाइनेंस जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन बुक कीपिंग एटसेट्रा। तो दोस्तों, ये सैलरी की गल करिए 31,000 यदि सैलरी है, सैलरियाँ बहुत ही वधिया दित्तियां जा रही हैं। तो पोस्ट जो मेरे दोस्त ये क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं पोस्ट छड़ना नहीं, बहुत ही वधिया मौका तुहाडे वास्ते। उस तो बाद गल करते हैं मैनेजर की पोस्ट की। तो दोस्तों, ये वास्ते बैचलर डिग्री चाहिए है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की, या फिर ये वास्ते मास्टर डिग्री साइंस की चाहिए है तुहाडे कोल रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी तो होनी चाहिए है। इस तो इलावा क्लीयर पेटेंट एजेंट एग्जाम, तुहाडे कोल एक पेटेंट एग्जाम हुंदा वो क्लीयर होना चाहिए है। उहदे वास्ते एज लिमिट है दोस्तों 35 साल की रखी गई है। इहदे वास्ते एक्सपीरियंस की भी मंग की गई है। अगर तुहाडे कोल एक्सपीरियंस नहीं भी है तो जरूर तुसीं फिर भी फिल कर सकते हो, बट एक्सपीरियंस होएगा तो बहुत तुहानू उहदा फायदा मिलेगा। सैलरी की गल करिए दोस्तों, इहदे विच सैलरी 31,000 रखी गई है मैनेजर की पोस्ट वास्ते। उस तो बाद गल करते हैं मैनेजर टेक्नोलॉजी की पोस्ट, ये वास्ते दोस्तों बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या फिर तुहाडे कोल मास्टर डिग्री साइंस की होनी चाहिए है, सेम ही है। उस तो इलावा एज क्राइटेरिया दोस्तों ये 35 साल का है। ये भी एम टैक विद एक्सपीरियंस, तुहाडे कोल एम टैक की मंग की गई है, नाल एक्सपीरियंस होना चाहिए है टेक्नोलॉजी डिवेलपमेंट एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद अकैडमिक लैब्स। इस तो इलावा दोस्तों लैब के अकैडमिक लैब एक्सपीरियंस होना चाहिए है। माइंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अकैडमिक लैब्स एंड असैस नीड्स टू इंडस्ट्री 2 ईयर एक्सपीरियंस, ये वास्ते 2 साल का एक्सपीरियंस मंगया गया। तो सैलरी की गल करिए दोस्तों, ये वास्ते सैलरी जो है 31,000 सैलरी दी जा रही है, बहुत ही वधिया सैलरी दी जाने। लास्ट से गल करते हैं दोस्तों मैनेजर की पोस्ट की। तो मैनेजर की पोस्ट जो है एक पोस्ट है, वो वास्ते बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की होनी चाहिए है या फिर तुहाडे कोल मास्टर डिग्री साइंस की होनी चाहिए है। ये रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी तो होनी चाहिए जरूरी हैं। तो ये वास्ते दोस्तों घट तो घट 8 साल का एक्सपीरियंस की मांग की गई है। डिजायरेबल कुछ चीज़ा हैं वो लिख रखी थले, एम बी ए विद गुड एक्सपीरियंस इन टेक्नोलॉजी डिवेलपमेंट एंड वर्किंग विद इंडस्ट्री, तुहाडे कोल इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री के काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए है। तो सैलरी की गल करिए दोस्तों, ये वास्ते सैलरी जो है 49,000 सैलरी दी जा रही है पर मंथ। इस तो इलावा दोस्तों, ये पोस्टा तुसी ऑफलाइन फिल करके भेजने हैं। ऑफलाइन फिल करन तो बाद जो भी तुहाडे जरूरी डॉक्यूमेंट या बायोडाटा है तुसी ईमेल राही भी सेंड करना है, जो ऑफिशियल वैबसाइट ते पी यू दी ईमेल ते है। ईमेल का पता दे रखे है पी यू
tec@pu.ac ਇਨ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਫੋਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਵੱਡੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਰੀਟਲ ਸਟੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਇਹ ਫੋਰਮ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ ਹੈ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸ਼ੋਰ ਪੱਕੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟਲ ਬੇਸਿਸ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਰ ਇਨਵਾਈਟਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫੋਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੋਸਟ ਫੋਰ 1 ਈਅਰ ਐਂਡ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਅਪ ਟੂ 5 ਈਅਰ ਅੰਡਰ ਦਾ DST ਸਪੋਂਸਰਡ ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸੈਲਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੋਰਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਓਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੂਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ freejobalert.com ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੀਲੀ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰਟ ਫੋਰਮ 'ਚ ਜੋ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਦਾ, ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ +2 ਡਿਗਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਇੰਸ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 24/5 ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੈਟ ਡਿਟੇਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਓਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਪਰੂਫ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ।